सो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग सो so, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे हैं आप ब्लेंडर में 360 रोटेशन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत ही कुल है ब्लेंडर का जो कि ब्लेंडर के अंदर खुद ही इनबिल्ड है सो so, आपको करना कि आपको जाना अपने एडिट प्रिफरेंस प्रीफरेंस में जाने के का यहाँ पे आपको सर्च करना है टर्न अराउंड कैमरा ऑल जैसे टर्न लिखेंगे तो आपके पास ऑन पे आ जाएगा आपको से इनेबल इनेबल करना है करने के बाद आपको प्रेस करना है अपने में कैन प्रेस करने के बाद आपको जाना है अपने एनिमेट ऑप्शन में तो अब आप देख सकते हैं पे लिखा नो वैलिड ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड सो बेसिकली होता है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है तभी जाकर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इसके वो विजिबल होते हैं जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देख सकते यहाँ पे सारे ऑप्शन विजिबल हो गए जस्ट आपको क्लिक करना है टर्न अराउंड एंड जैसे आप टर्न अराउंड क्लिक करेंगे आप जैसे अपने कैमरे में आते हैं आप

हर बार आपको न्यू एनिमेशन को ऐड करने से पहले आपको यहाँ पे टर्न अराउंड पर क्लिक करना है उसके बाद आपको इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका एनिमेशन दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ आप देखिए अब यहाँ पे पहले बैकवर्ड हुआ अब यहाँ पे ये फॉरवर्ड होगा पीछे हो तो ये आप देख सकते हैं ऑल एड तो इस तरीके से आप अपने मॉडल को थियोसिस्टी रोटेट कर सकते हैं और अपने एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं सो गाइस ऐसी ब्लेंडर की टिप्स एंड ट्रिक को जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं थैंक यू गाइज